बर्थ एस्फिक्सिया एक ऐसी स्थिति है कि जिससे अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन बाद में बच्चे का ठीक हो भी जाता है तो वो इतनी परेशानियां अपने साथ छोड़ जाता है कि बच्चे को जीवन भर परेशान होना पड़ता है। आज हम साथियों इसी विषय को मैनेज करने की, गंभीर विषय को मैनेज करने के कुछ होम्योपैथिक दवाएं आपके मध्य लेकर आए हैं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे गंभीर विषय की, बर्थ एस्फिक्सिया की। बर्थ एस्फिक्सिया यानी कि चाइल्ड बर्थ के पहले, दौरान या जस्ट उसके बाद बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई न मिलना, यही वह स्थिति होती है जिसको बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं। आज हम बताएंगे साथियों इस गंभीर विषय को मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं बर्थ एस्फिक्सिया होता क्या है। बर्थ एस्फिक्सिया साथियों ऑक्सीजन सेचुरेशन का, ऑक्सीजन का ब्लड में कमी, बच्चे की पैदाइश के पहले, जस्ट पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद, यदि यह स्थिति होती है साथियों तो इसको बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, जिसके कि गंभीर परिणाम होते हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, आगे के भविष्य के लिए, और सामान्यतया सेरिब्रल पाल्सी इत्यादि तमाम परेशानियां उस बच्चे को हो सकती हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सेरिब्रल बर्थ एस्फिक्सिया के सिम्टम्स, शरीर पे नीलापन होना, बच्चे को बर्थ के दौरान क्राई ना करना, रोना ना आना, इस प्रकार से तमाम सिम्टम्स बर्थ एस्फिक्सिया से संबंधित होते हैं। कारणों की बात कर लें, बर्थ एस्फिक्सिया के तमाम कारण होते हैं जिसमें कि मेन कारण जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसका डिलीवरी से पहले ही, बच्चे की डिलीवरी से पहले ही सर्विक्स से बाहर आ जाना, प्रोलैप्स हो जाना, उसका स्ट्रैंगल हो जाना, इस प्रकार से तमाम कारण होते हैं जो सामान्यतया रिस्पांसिबल होते हैं बर्थ एस्फिक्सिया के लिए। विषय साथियों गंभीर है लेकिन समस्या है तो समाधान है। आज हम बताएंगे बर्थ एस्फिक्सिया को मैनेज करने में कुछ मदद करने की होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं साथियों कारगर हैं लेकिन ये बीमारी बहुत गंभीर है, परेशानी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें तुरंत मेडिकल इमरजेंसी होती है, तुरंत बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए होती है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लें। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं बर्थ एस्फिक्सिया को मैनेज और कंट्रोल करने की कुछ संभावित पॉसिबल होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है बर्थ एस्फिक्सिया में कि जो बच्चे की डिलीवरी हुई है, बर्थ हुई है, उसका फेस डार्क रेड है, लाल गाढ़ा सुर्ख रंग उसके चेहरे पे है, उसके होंठ नीले हैं और उसके सीने में कंजेशन है। यदि साथियों यहाँ सिम्टम है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एंटीम टार्टरिकम। एंटीम टार्ट 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दी जा सकती है। इस दवा से ऐसे मरीज को आराम मिलेगा। एक स्थिति आती है कि बच्चे की डिलीवरी हुई हो, उसकी पल्स ना मिल रही हो, उसके चेहरे पे पर्पल कलर का टिंट आ गया हो, अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति में बर्थ एस्फिक्सिया के केस में कंट्रोल मैनेज करने की दवा है ओपियम। ओपियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दी जा सकती है। इस दवा से ऐसे मरीज को आराम
मिलेगा जिनका कि फेस पर्पल हो गया, पर्पल टिंट आ गया है और जिनकी पल्स नहीं मिल रही है। एक स्थिति आती है कि बच्चे को जब बर्थ हो रही हो तो उसके लंग्स डैमेज हो गए हों और हेमरेज हो गया हो, ब्लडी डिस्चार्जेस आ रहे हो। अगर यह स्थिति हो बर्थ एस्फिक्सिया के केस में तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कुलचेरिया। कुलचेरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से मरीज को लाभ मिलेगा। एक स्थिति आती है साथियों बर्थ एस्फिक्सिया में कि मदर को बहुत ब्लीडिंग हो गई हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और उसके बाद उनको जो है वह बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, तो अगर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हो और उसके बाद मदर को और उसके बाद बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो रहा हो तो उस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है सिंकोना अफिसनेलिस। 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। संभावित रूप से दवा से आराम मिलेगा। एक स्थिति आती है कि बच्चे के लगातार बर्थ एस्फिक्सिया के बाद ऑक्सीजन कम हो रही हो और बच्चे को खांसी बहुत आ रही हो। अगर यह स्थिति हो, कफ की स्थिति हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है इपिकाक्वाना। इपिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है कफ के केस में। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया रहा हो और उसके बाद अब उनकी पल्स बहुत स्लो रहती हो, बहुत स्लो रहती हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से हार्ट रेट भी नॉर्मल होगा, बच्चा भी ठीक होगा और बर्थ एस्फिक्सिया का जो उसके शरीर पे इफेक्ट्स आए वह भी खत्म होंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि जब किसी को बर्थ एस्फिक्सिया हुआ हो और उसके बाद अब वह जब लेटते हों और लेफ्ट करवट लेटते हों तो उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती हो। अगर यह सिम्टम हो कि लेफ्ट साइड डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो और बर्थ एस्फिक्सिया का केस हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है विस्कम एल्बम। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से मरीज को लाभ होगा। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को बर्थ एस्फिक्सिया हो रहा हो बच्चे को और अब उनके पैल्पिटेशन बहुत होते हों और पल्स लो होती हो, तो अगर यह स्थिति हो कि पैल्पिटेशन लो होते हों और पल्स बहुत लो रहती हो और पैल्पिटेशन ज़्यादा होते हों तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है डिजिटेलिस परपुरिया। डिजिटेलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह ऐसे केस में मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों बर्थ एस्फिक्सिया पेशेंट को हो और उनका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया हो, तो यदि यह स्थिति हो कि ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो और बर्थ एस्फिक्सिया हो तो तुरंत ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में बढ़ाने की होम्योपैथी में दवा आती है कोका एरिथ्राजाइलॉन। कोका एरिथ्राजाइलॉन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से मरीज को लाभ होगा। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को बर्थ एस्फिक्सिया हो और उनके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो और बिल्कुल बच्चा जो है बिल्कुल लग रहा हो कि अब उसका जीवन बहुत मिनट शेष नहीं है। इस तरह का यदि वाइटल फोर्स लो हुआ हो तो उस स्थिति से भी निपटने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है कार्बोवेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 1 बूंद बच्चे की जुबान पर डाल दें, उससे उसका वाइटल फोर्स बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर की एनर्जी बढ़ जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है और बच्चा का रिकवरी में आराम मिलता है। ये साथियों को दवाएं थी बर्थ एस्फिक्सिया की। दवाएं साथियों कारगर हैं लेकिन बर्थ एस्फिक्सिया एक गंभीर विषय है। तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट बच्चे को चाहिए होती है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं किसी कुशल चिकित्सक से राय लेके किसी प्रकार से अगर ये दवा अपने गायनिकोलॉजिस्ट से पूछ के एडमिनिस्टर हो जाए उनके प्रिस्क्रिप्शन के बाद तो शायद बच्चे को इससे लाभ हो। लेकिन कोई भी दवा साथियों बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए मत लीजिएगा।
वीडियो साथियों आपको कैसा लगा हमें कमेंट पोर्शन में आपकी बात सुनने समझने का इंतजार रहेगा, हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि समाज के उन ज़रूरतमंद लोगों तक बात पहुँच पाए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.